हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एट दिस प्लेटफॉर्म इंग्लिश मंत्रा वन। आई एम संजीव कादियान एंड टुडे आई हैव हियर आवर स्पेशल टॉपिक ऑन इंग्लिश प्रोनंसिएशन। माय डियर फ्रेंड्स, बचपन से हर किसी क्लास में, स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर इंग्लिश पढ़ाई गई, लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको लगे कि ये पॉइंट उस क्लास के टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से डिफरेंट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए यस। अगर आपको लगता है कि सर वही कंटेंट्स पढ़ा रहे हैं जो आज तक स्कूल कॉलेज में पढ़ते आ रहे हैं तो लिखिए नो। अगर आपको लगता है वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है, डिसलाइक करके आप जा सकते हो। लेकिन माय डियर, अगर आपको वीडियो सिर्फ 5 मिनट आप देख लेते हैं तो 5 मिनट की वीडियो आपको एग्जाम के लिए, लाइफ के लिए और यहां तक कि आपके बच्चों तक भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो सिर्फ 5 मिनट वीडियो को देखिए ध्यान से और 5 मिनट के बाद रिजल्ट निकालिएगा कि कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या ये कंसेप्ट कभी पढ़ाया गया। चलिए देखते हैं माय डियर। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है यहां पर। दिस ब्रीफ पफ ऑफ एयर इज कॉल्ड एस्पिरेटेड। तो ये एस्पिरेटेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। एस्पिरेटेड क्या होगा? एक पफ ऑफ एयर होगी जो यूज की जाएगी। तो देखो पफ ऑफ एयर का यूज कहां होगा? माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर देर आर सम वर्ड्स लाइक पिल, PILL। नेक्स्ट वर्ड स्पिल, SPILL, राइट। बट देर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन द प्रोनंसिएशन। अब आप क्या बोलने वाले हैं? पिल, स्पिल, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब पिल के आगे क्या लिखा हुआ है? पी के ऊपर छोटा सा एच लिखा हुआ है ना। तो जब भी ब्रिटिशर्स इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे एच के साथ, और जब भी इंडियन इंग्लिश बोलता है तो ऐसे बोलेगा बिना एच के साथ। यानी कि हम पी को प ही पढ़ते हैं, फ नहीं पढ़ते। हम पी एच को फ बोलते हैं, पी को प ही बोलते हैं। अब मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा शॉर्टकट में, पी, टी और के। अगर ये आपको कहीं पर किसी वर्ड के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में दिए जाए, उस केस में अंदर के अंदर माय डियर, आपको उस पी को, टी को और के को हमेशा क न बोलकर ख बोलना है, ट न बोलकर ठ बोलना है और प न बोलकर फ बोलना है, लाइक दिस। तो PILL इसे आप बोलेंगे फिल। इंग्लिश ब्रिटिशर्स, एक ब्रिटेन का नागरिक बोलेगा फिल और इंडियन क्या बोलेगा? पिल। तो दैट इज रॉन्ग, हमें क्या बोलना चाहिए? फिल। और अगर वही पी बाद में दी जाए लेटर के, एक लेटर के बाद, लाइक स्पिल। स्पिल में देखो ना, यहां पर क्या लिखा? SPILL। तो आप क्या पढ़ेंगे उसको? स्पिल। वहां पर प की साउंड प ही आएगी, पी की साउंड प ही आने वाली है। तो अगर पी की पी स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप फ बोलेंगे, पी कहीं पर भी आ रहा है तो वो प बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए टिल, TILL, टिल। तो आप क्या पढ़ेंगे इसको? आप पढ़ने वाले टिल। और वही टिल देखो, टी दिया गया स्टिल के अंदर, STILL, स्टिल दिया ना, तो वहां पर टी की साउंड टै ही आएगी, तो आप बोलेंगे स्टिल। लेकिन आपकी स्टार्टिंग में टी आया तो आपने क्या बोला? टिल। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है किल, KILL। अब क्योंकि ये के स्टार्टिंग में दिया गया है तो आप इसे बोलेंगे खिल, लेकिन इंडियन क्या बोलेगा? किल। नेक्स्ट आगे लिखा है वर्ड स्किल, स्किल SKIL, यानी के यहां पर सेकंड लेटर है, फर्स्ट लेटर नहीं है, तो यहां पर कै को कै ही पढ़ा जाएगा, तो आप बोलेंगे स्किल। तो ये सही है, स्किल ही रहेगा, लेकिन के अगर स्टार्टिंग में होगा तो आप ख बोलेंगे, खिल, खिल। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड देखिए प्रे दिया गया है ना, पी स्टार्टिंग में है तो उस पी के ऊपर देखो छोटा सा लिखा हुआ मैंने यहां पर एच, दिखाई दे रहा है पी एच, तो आप बोलेंगे प्रे,
प्रे, प्रे नॉट प्रे। जैसे आपने पढ़ा होगा हम बोलते आ रहे हैं टाटा, तो टाटा तो इट मींस एक टाटा कंपनी हो गई, तो टाटा कंपनी की बात थोड़ी ना हो रही है, हम बोल रहे हैं अंग्रेज क्या बोलेगा उसको टाटा को, ठाठा ठाठा। एक वर्ड होता है ट्यूजडे बोलते हैं, दिन है मंगलवार है, आप क्या बोलते हैं ट्यूजडे, है ना। तो सही प्रोनाउंसिएशन या एक नेटिव स्पीकर या एक ब्रिटिशर क्या बोलेगा, ट्यूजडे ट्यूजडे, उसे सही बोलेंगे ट्यूजडे, ठीक है। उस ट्यूजडे को मैं बताऊंगा आगे, एक्सेप्शन पॉइंट है रूल का, तो आज इतना याद कर लीजिए, दिमाग में बात बिठा लीजिएगा, वो ट्यूजडे नहीं होता ट्यूजडे ट्यूजडे। नेक्स्ट पॉइंट, सामने वर्ड है आपके प्लीज, है ना, तो प्लीज नहीं पढ़ा जाएगा, प्लीज 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 फो। क्वीन नहीं पढ़ा जाएगा, के ऊपर एच देखो ध्यान से, छोटे से एच है वहां पर, है ना। तो अब आप क्या पढ़ेंगे, क्वीन क्वीन क्वीन। नेक्स्ट वर्ड है ट्री, तो ट्री नेम आ डियर, ये छोटे से एच लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे ट्री ट्री ट्री। तो एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रेस लेवल द के ऑफ स्किल एजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ सिलेबल, तो यहां पर मेंशन किया गया है कि के, क्योंकि स्किल के अंदर नंबर टू पर है, तो वहां पर के की साउंड के ही आएगी, अगर वही के स्टार्टिंग में होगा तो आप उसको ख बोलेंगे। नेक्स्ट एक वर्ड है इन पोटैटो, तो इन पोटैटो में आप क्या कहने वाले हैं, द पी विल बी एस्पिरेटेड बिकॉज इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, क्योंकि यहां पर पी स्टार्टिंग में है तो आपसे फ बोलेंगे, और यहां पर टी की साउंड भी ठ आएगी, देखो लास्ट वर्ड है ये, तो इसमें देखो लिखा हुआ सामने क्या लिखा हुआ है, फटैठो फटैठो। एक कुछ वर्ड्स हो रहे हैं, अप्लाई नहीं बोला जाएगा, अप्लाई अप्लाई। सपोज नहीं बोला जाएगा, सपोज सपोज। और एक्वायर नहीं बोला जाएगा, एक्वायर एक्वायर एक्वायर।